लेकिन फैक्ट्री में ये होता था कि आप वर्कर्स के साथ है तो सुबह मैंने एक चादर लपेटी और चली गई शाम में आती तो मेरे हस्बैंड कहते तुम बहुत जल्दी बुढ़ी हो जाओगी तुम बाल भी डाई नहीं कर रही हो तुम सैलॉन भी नहीं जा रही हो मैं कहती नहीं बड़े काम है ऑर्डर्स हैं ये वो मैं कहते नहीं फिर मुझे साथ साथ ड्रामे ऑफर होने शुरू एक मैंने किया बहुत इसरार करने पर उमापा ने भी मुझे कहा फिर यावर साहब बहुत कहा करते थे कि तुम ड्रामे करो तो मैं कहती थी ड्रामा करना अच्छे लोगों का काम नहीं है ऐसे पहले तो ऐसे ही फील होता था, था ना लेकिन फिर जब आ, मैंने एक ड्रामा कर लिया वो उसमें इतना अच्छा मैंने किया कि फिर मुझे बहुत ऑफ़र्स आई लेकिन एक साल मैंने नहीं किया था उसके बाद फिर मैंने जब ड्रामों की तरफ आई तो उसमें ज़्यादा काम कराची में था तो जो लाहौर में होता था मैं वो करती थी फिर जब कराची आना होता था मेरी फैक्ट्री बहुत सफ़र फैक्ट करती थी, थी, थी।, थी फिर मैं मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक चीज़ चूज़ करो तो मैंने एक चलती फैक्ट्री जो कि मुझे अच्छी खासी इनकम हो रही थी मुझे छः माह लगे मैंने इस्तारा किया फिर मैंने बंद की कि इसका मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा कि अल्लाह तला के लगी रोज़ी को तुम लात मार रही हो किसी उस रोज़ी के लिए जो पता नहीं है तुम्हें तुम उसमें कर भी सकती हो या नहीं तो मैंने सखारा किया छ माह लगे फिर मैंने वो वाइंड अप किया और मैंने जब से एक्टिंग में आई मैंने मुड़ के देखा भी नहीं क्योंकि मुझे अलहमद आज तक फुर्सत ही नहीं मिली बहुत बड़ी चीज होती है अपनी चीज को इस तरह बंद करके आना। कर आई, कि आपके बस पे क्या छोड़ा था ना लेकिन चले ये भी आपका शौक था आपने ये शौक था और ये ये ज्यादा बेहतर है मुझे हाँ लेकिन इसमें तो, मैंने बहुत चीजें बहुत मिस की जैसे मैं अपने घर को मिस करती हूँ मैं हस्बैंड उधर होते हैं अब बच्चों की तो अपनी लाइफ है ना हम लोगों की अपनी लाइफ उस, उसको हमने बहुत वो गुजार दिया कैसे है? कैसे मैनेज करती हैं बैलेंस मैं ये, दूसरा मेरा ये भी सवाल था कि माशाल्लाह से यू हैव सच आपको और भी खुशियाँ दे बैलेंस्ड लाइफ मैरिड लाइफ इज हैप्पी लाइफ यू नो कैसे बैलेंस किया आपने काम जैसे आप बोल भी रही हैं कि कराची आना पड़ता था हस्बैंड को बच्चों को किस तरह करती थी बस बहुत चीज़ें मैंने कुर्बानी भी दी बहुत चीज़ों की मैं लाहौर मैं जाती हूँ तो मैं शहज़ादियों की तरह रहती हूँ कुक भी है तो काम वाली भी है तो टांगे भी दुबा रही है सफाई भी हो रही है खाने भी टेबल पर लग रहे हैं और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं तो फ्लैट में अपने किसी कोई का काम वाली नहीं रखी कोई कुक नहीं, नहीं। संडे को खुद कुकिंग करती हूँ अच्छा मुझे अपने लिए या फिर ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है आपको जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करना होता है तो मैं मैं इधर जब अपने लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना तो मेरा सबसे खूबसूरत टाइम होता है जब मैं सुबह उठकर मी टाइम होता हाँ, हाँ। कि हाँ। मैं नाश्ता बनाती हूँ बैठती हूँ मैं नाश्ता करती हूँ तो मैंने उसमें अपना सुकून तलाश कर लिया मैंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे तैयार हुआ हुआ मिल जाता मैं करके मैं कहती नहीं ये बहुत मज़ा आ रहा है मुझे क्या बनाती हैं न ज़्यादातर तो मैं फ्राई एग ले लिए फिर मैं कभी कभी ब्रेड uh, पर बटर लगा कर दही <laughs> के साथ भी खाती <laughs> हूँ। दही <laughs> <हुँ। laughs> के साथ? ओ ये मेरे पहली बार सुना है। बटर बड़ा तो, मज़ा आता है। टोस्टेड ब्रेड पे। यस और uh, ये नेस्ले वाला। वो ब्राउन हो। ब्रेड ब्राउन लेकिन दही में चीनी हो <laughs> अच्छा ब्राउन हो लेकिन नहीं सुनी ले, आप ट्राई हम ये ट्राई करें ट्राई करेंगे वो जर्दे के ऊपर दही डालकर मजा आता है ना कुछ लोग कहते हैं जरदे पर दही मैं भी है ना जरदे पर कुछ लोग तो जर्दे में पुलाव भी डालकर पंजाब की स्पेशलिटी है लेकिन मैं तो दही डालू लेकिन मुझे एक बात बताए जब आप किए फैसला कर रही थी कि मैं फैक्ट्री बंद करके कराची आऊंगी या ट्रैवल क्या करूँगी डर नहीं लग रहा था कि मिया स्पेशली फ्रॉम आई डोंट नो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए नहीं चाहिए लेकिन बहुत सी लड़कियां इस वक्त आपको देखते हुए हो सकता है इसी सिचुएशन में हो और सोच रही हूँ एक्टर्स भी नॉन एक्टर्स भी कि वो क्या करें कि मियाँ को छोड़ के जा रही हैं अकेले यू नो you know, खुद इस फील्ड में जा रही हूँ कुछ इस तरह के खौफ आते थे। इस तरह का बात हुई हस्बैंड से क्या किया क्या कोई कोई टिप देंगी कोई एडवाइस करेंगी मैं राबिया एक ही बात कहूंगी कि ये सारा ना मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा ट्रस्ट मुझ पर और मेरा मेरे हस्बैंड पर ये रिलेशन जब तक आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख्याल को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये रिलेशन जो है ना बहुत वीक होता है पर जब एक बात बताएं ऐसा नहीं होता कभी कभी औरतें ट्रस्ट में भी मारी जाती हैं मारी जाती हैं औरतें हैं जो ट्रस्ट बिचारियां कर रही होती हैं और पता चलता है कि इट नाउ इट्स टू लेट राबिया मैं आपको अपनी फैमिली का बताऊं हमारी okay. फैमिली जो है उसमें दूसरी शादी दूसरी औरत घर खराब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री नहीं है okay. Hmm. मेरे हस्बैंड आदमियों की एक होती है एक अपनी एक नेचर भी होती है सब कुछ।, कुछ तो मैंने तो उन्हें शुरू में कह दिया मैंने कहा आप किसी से भी दोस्ती कर लें लेकिन आप जब उसको जिस वक्त ये बताएंगे ना कि मेरी बीवी सबा फैसल है वो खुद भाग जाएगी <laughs> मुझे आप पर नहीं मुझे खुद पर बड़ा <laughs> ट्रस्ट है. This. This a... है ना? मतलब आपके इर्द गिर्द आएगी नहीं लेकिन ये खाली मैंने इस तरह से नहीं बिठाया कि भाई मैं अपने शोहर पर नजर रखूं मैंने उनको खाने खिलाए मैंने उनके आज भी मैं जाती हूँ उनका पूरा वॉर्ड्रोब प्रेस करवा के रीऑर्गेनाइज करके मैं लाहौर आती कराची आती हूँ और उन्होंने शादी में जाना है उन्होंने किसी डिनर पर जाना है वो फ़ोन करते हैं आज जाना है या कल जाना है मैं उन्हें कहती हूँ राइट साइड पर जो दूसरा सूट है वो आपने पहन कर जाना है आपकी सॉक्स वहाँ पड़ी हुई है वो पहननी है वो मेरे मशवरे के बग़ैर वो कहीं तैयार होकर भी नहीं कनेक्शन बिल्कुल आपने वो कनेक्शन मेंटेन रखा है अपना और उनका बहुत कि उनको आपकी इंपोर्टेंस अपनी जिंदगी में फील भी और चाहिए भी और सेम पे फॉर हेम देखिये आदत नहीं डालेंगे ना हुँ। शोहर हुँ। लड़कियां क्या करती हैं शादी के बाद वो कहती है हाई हमारा मैका छूट रहा है हम मैके में रहेंगे मैं आप लड़कियां जब मैके रहती हैं ना तो वो उनके शोहरों को उनकी आदत ही नहीं रहती उनको वही आते रहती हैं या माँ के हाथ की या नौकरों के हाथ की तो उनकी जिंदगी में फिर आप फिर बीवी, हो, बनना हो जाती बीवी होने बीवी होने बीवी बनने से बीवी का नाम होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बीवी बन के दिखाएं तो मैंने इस तरह की बहुत कुर्बानियां दी हुई है बहुत ज्यादा ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आई होप के जो लड़कियां सुन रही हैं हाँ लड़कियां कहती हैं भाई मैं नाश्ता बनाऊं क्यों मैं कपड़े इस्त्री करूं क्यों मैं मैं अपने मैके जाके क्यों ना बैठूं आजकल ये है लेकिन अच्छा मेरी बेटी भी बहुत आके रहती थी मेरे घर मैं नहीं बुलाती थी लेकिन आके आ रहती थी फिर उसको समझाया आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि नहीं बेटा अपने घर में दिल लगाओ वो रहने से दिल लगता सही है बात ना? है। तो, सही बात है आप एक नई फैमिली में चले गए तो टाइम तो लगेगा टाइम लगता है और जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे उस फैमिली को अपना भाई हर काम में ना रब्या एफर्ट इंसान के उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते आपको प्यास लगी है ना आपको गिलास को लाके रख भी देगा ना आपको पकड़ के पीना खुद है <laughs> है सही बात वो कोई नहीं पिलाएगा आपको तो हर काम में आपकी कोशिश बहु, बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा ये भात ये भात मैं सास और बहू की भी बात पर एक बड़ी अच्छी ये किसी ने ही मुझे बताई थी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि क्यों कहती हैं सासें कि भाई तुम ना मेरी बहू नहीं हो बेटी जैसी हो क्यों बहू का रिश्ता अच्छा नहीं है बहू